अब आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं जहां पर पीएम मोदी का रोड शो चल रहा है, वहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं का दौरा करते हैं तो वहां के लोगों को तमाम विकास की सौगातों से नवाजते हैं। और ऐसा ही कुछ आज होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव रखे जा रहे हैं। और इससे होगा क्या कि विमान C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी भारतीय वायुसेना, तो एक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव भी हैं और ऐसे में गुजरात के वासियों को ये बड़ी विकास की सौगातें मिलने जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सेना के लिए C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वडोदरा में किस तरह से उत्साह का माहौल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क के दोनों ओर और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, एक झलक अपने प्रिय प्रधानमंत्री की पाने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं गुजरातवासी, वडोदरावासी। आपको बता दें कि देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान को बनाने जा रही है और वडोदरा वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, उनके लिए विकास की एक बड़ी सौगात है। टाटा एयरबस इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। टाटा एयरबस 40 एयरक्राफ्ट के अलावा वायुसेना की जरूरत और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का भी निर्माण करेगी। और भी कई सौगातों से प्रधानमंत्री आज गुजरात वासियों को नवाजेंगे, तो वडोदरा में ये एक बड़ा विकास का मील का पत्थर ऐसे कह सकते हैं। बीते साल सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ करार किया था और इस करार के तहत 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर निर्माण किया जाना तय हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वडोदरा से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए गुजरात में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर गुजरात पहुंचे हैं। वडोदरा की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के इस तूफानी दौरे की अगर बात की जाए तो कई कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। रोड शो की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वडोदरा से, इसके साथ ही शिलान्यास के साथ एकता दिवस समारोह में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों से पहले अपने गृह राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा सौरभ के पास चलेंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं और वही तस्वीरें जो पीएम मोदी के हर एक रोड शो से देखने को मिलती है। सड़क के दोनों ओर हम देख रहे हैं प्रशंसकों की भीड़। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात का दौरा शुरू हो रहा है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और सबसे पहले वो वडोदरा पहुंचे हैं जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर C-295 का जो शिलान्यास होना है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा में बनना है, उस सभा स्थल पे वो पहुंचेंगे। और मेरे ठीक पीछे आप देखें कि यहां पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा जो काफिला है वो यहां से गया है। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग घंटों से मौजूद थे और धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लोगों से मिलते हुए वो यहां से आगे बढ़े हैं। अब ये लोग यहां से निकल रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए C-295 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहली बार यूरोप के बाहर बनने जा रहा है और पहली बार भारत में वडोदरा में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनने जा रहा है। 40 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनेंगे, लाखों की तादाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को मिलने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बाकी अगर जो मैं बात करूं तो यहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया जाएंगे और अलग अलग जगहों पर जाके जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है इलेक्शन के ठीक पहले, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए यहां पर भी लोग कितने हजारों की तादाद में जो लोग यहां पर मौजूद है जो इस पूरे कार्यक्रम में थे, और उनसे भी बात की, कैसा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज गुजरात आए, वडोदरा में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, सबको अच्छा लग रहा है, लोकल पब्लिक है उसको भी बहुत अच्छा लग। आप देख सकते हो कि पूरा मतलब एयरपोर्ट से लेके लेप्रोसी ग्राउंड तक पूरा सब लोग खड़े हैं उनके वेलकम करने के लिए। इस बार बीजेपी आएगी इलेक्शन में? बीजेपी ही आएगी, वो ही चलेगी गुजरात में, और कोई नहीं चलेगा। और कोई पार्टी का चांस चलेगा ही नहीं, मोदी, सिर्फ मोदी। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीर यहां पर आपको लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 दिन का गुजरात का दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज से शुरू हो रहा है और वो वडोदरा पहुंचे हैं।